आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैंने वेजिटेबल नूडल्स बनाया था जो बहुत ही चटपटा और स्पाइसी बना था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो मैंने उसमें हरी मिर्च, कटे हुए लहसुन और कटे हुए प्याज को डाल दिया है। अब हम इसको चलाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने देंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज, लहसुन और मिर्चा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है गाजर और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। साथ में मैंने शिमला मिर्ची भी डाल दिया है। अब हम इसको चलाकर छोड़ देंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और इसको डाल करके चला देंगे ताकि हमारे ये गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट बाद आप देखें कि हमारा गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने इसमें डाला 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। हमने मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। करीब 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। मैंने इसमें 1/2 चम्मच विनेगर डाला है और 1/2 चम्मच सोया सॉस, और इसको भी अब हम मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप भी डाला है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये मसाला, स्पाइसी मसाला, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने इसमें करीब 2 ग्लास पानी डाला है और इसको चला करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा मसाला उबलने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे अपना नूडल्स। 5 मिनट बाद आप देखें कि हमारे नूडल्स मसाले में मिल गए हैं। अब हम इसको करीब 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा वेजिटेबल नूडल्स कितना बढ़िया बना है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा स्पाइसी और टेस्टी नूडल्स जो बेहद स्वादिष्ट और चटपटा बना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।